हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंडिंग फैशन। सो फ्रेंड्स, आज हम एक पुरानी शर्ट से किचन एप्रन बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पुरानी शर्ट ले ली है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो इस शर्ट की लंबाई है 28 इंच और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। सबसे पहले हम इसकी बाजू को काटकर अलग कर देंगे। अब हम कॉलर को भी काटकर अलग कर देंगे। तो देखिए, यहां पर हमने बाजू और कॉलर को काटकर अलग कर दिया है। अब हम शर्ट को इस तरह से शोल्डर से भी कट कर देंगे। तो देखिए, ऊपर से हमारी शर्ट अलग हो चुकी है। जो शर्ट की बैक साइड है वहां पर डबल कपड़ा होता है, तो हम उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसको अलग कर लिया है काट कर। अब हम शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे और ऊपर के हिस्से को काट कर अलग कर देंगे। आप इस तरह से सिर्फ फ्रंट पीस को ही कट करें, बैक साइड को उसी तरह से रखना है। तो देखिए, जो हमने पिछली साइड से कपड़ा निकाला था उसको हम फ्रंट साइड में इस तरह से अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड को मैच करके उसके ऊपर सिलाई लगा दें। तो देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम ऊपर के कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। और अब हमें शर्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से शर्ट को सेट कर लें इस तरह से। अब हम ऊपर की तरफ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखिए, एक स्केल की हेल्प से हम यहां पर एक रफ निशान लगा लेंगे। तो देखिए, अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये तकरीबन 9.5 इंच तक आता है। अब हम इस निशान को इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और इस निशान से हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए, ये कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम शर्ट की एक बाजू को इस तरह से बीच में से कट कर देंगे। और इसमें से हम 3 इंच की पट्टियां काट लेंगे। तो देखिए, यहां पे मैंने पट्टियां काट ली हैं। पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करें और उसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर 3 पट्टियां तैयार कर ली हैं। पहली जो पट्टी है उसकी लंबाई है 25 इंच और दूसरी दो पट्टियों की लंबाई है 20 इंच। तो देखिए, जो हमने शर्ट की कटिंग की थी उसको पहले हम पलट लेंगे। और अब ये शर्ट की रॉन्ग साइड ऊपर है। अब हमने जो 25 इंच की पट्टी काटी थी उसको शर्ट के बीच में से इस तरह से रखेंगे। दोनों साइड्स पर आधा आधा इंच की मार्जिन रखेंगे। दोनों साइड सिलाई लगेगी, साइड्स पर उसका आधा आधा इंच मार्जिन रखें और पट्टी को अंदर की तरफ रखकर दूसरा कपड़ा ऊपर रखें और इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो देखिए, यहाँ पर हमने ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। अब जो रेड मार्क्स आप देख रहे हैं वहां पर हम हल्का सा कट लगाएंगे 1 इंच तक, और जो 20 इंच की पट्टियां हमने काटी थी उसको हम इनके अंदर रखेंगे। जिस तरह से हमने जो ऊपर की नेक की पट्टी थी उसको अंदर की साइड रखा था, उसी तरह से हम जो 20 इंच की पट्टी है उसको अंदर की साइड रखकर साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को पलट लेते हैं। अब हम इसके चारों तरफ एक टॉप सिलाई लगाएंगे और जो नीचे से खुला है वहां पर भी हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो देखिए चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। तो देखिए बचे हुए कपड़े से मैंने इस तरह की एक फ्रिल बना ली है, तो मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर अटैच कर दूंगी अब। तो देखिए हमारा एप्रन बन चुका है, अब हम इसकी तैयार लंबाई देख लेते हैं। इसकी तैयार लंबाई है 36 इंच, और अगर हम नेक की जो स्ट्रिप है उससे नीचे देखें तो उससे नीचे इसकी लंबाई है 26 इंच। तो देखिए जो नेक की पट्टी है उसकी लंबाई है 10 इंच। अगर आपको ये पट्टी लंबी रहे तो इस तरह से आप इसको पीछे की साइड फोल्ड करें, दोनों तरफ से इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं आप। तो देखिए इस तरह से अगर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसकी लंबाई 8 इंच रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।